वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमस्टर्स। आज मैंने ये बैग बनाया है छोटा सा। ये मैंने घर पर रख के एक सूट के कपड़े से बनाया है और इसको आप मेकअप किट के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें अंदर बहुत सारा स्पेस भी है, इसमें अंदर बहुत सारा स्पेस है, तो आपको बहुत सारा सामान इसमें अंदर बन जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ओनली इसमें 10 मिनट लगे मुझे बनाने में और ये बहुत जल्दी बन गया। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, आज हम आपको ये बचे हुए सूट के कपड़े से एक सुंदर सा पर्स या पाउच बनाना बताएंगे आपको। ऐसे तो इसी से हम अपना बैग बनाएंगे। तो पहले हम अपने ये जितना भी हमारा ये वर्क का कपड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम पहले अपने सीजर से कट कर लेंगे। तो पहले हम ये इसमें से ये अपने दो पार्ट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम एक इसी में से बैग बनाएंगे। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। तो मैंने इसका ये पार्ट कट कर लिया है। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक और ये मैंने फोम की सीट ली है और इसी सूट का ये कपड़ा निकला था प्लेन, तो उसमें से मैंने अस्तर के लिए निकाल लिया है और ये फोम की सीट ली है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं हम। इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है 12 और इसकी लंबाई ली है 10। तो 10 लंबाई है और 12 चौड़ाई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम चारों ओर पिनअप कर देंगे और पिनअप करके हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो पहले हम इन तीनों पार्टों में ऐसे सिलाई लगा के कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका पर्स बनाएंगे। तो पहले हम सिलाई कर लेते हैं। ये हमारे दोनों पार्ट स्टिच होके रेडी हो गए हैं, देखिए। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इसका सही माप करके, मैंने इस पर इतना हमारा थोड़ा एक आध दो पॉइंट इधर उधर से एक्स्ट्रा हो जाता है सिलाई में, तो उसको हम सीजर से कट कर देंगे। तो मैंने ये कट कर लिया है, उसके बाद ऐसे सही से मिलाकर इन दोनों पार्टों को ऐसे सही से मिलाकर इसमें हम नीचे एक एक इंच के, डेढ़ डेढ़ इंच के यहाँ पर बॉक्स बना देंगे, डेढ़ इंच का इधर और डेढ़ इंच का उधर। ये हमारा डेढ़ इंच हो गया, यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और डेढ़ इंच का इधर से, इंच का इधर से लगा देंगे। तो ये बराबर बराबर और डेढ़ इंच का हम यहाँ पर बॉक्स बना देंगे और डेढ़ इंच इधर से। तो ये हमारे बॉक्स बन गए और हम इन दोनों में कट कर देंगे। तो इन दोनों कॉर्नर, ऐसे दोनों कॉर्नर मिलाकर हम एक साथ में कट कर देंगे इसको। हमारे दोनों कॉर्नर कट हो गए, हम इधर से भी दोनों कॉर्नर कट कर लेंगे। ये हमारे दोनों एक साथ में कट हो गए। अब हम इधर अपनी, पहले तो हम ये अपनी यहाँ से ऐसे रख कर यहाँ पर एक जिप ले लेंगे। यहाँ पर अपनी जिप लगाएंगे पहले, सबसे पहले हम जिप को ऐसे खोल लेंगे और खोलकर ऐसे हमको उल्टे साइड रखकर यहाँ से इतना एक्स्ट्रा यहाँ निकाल देंगे और इतना ही एक्स्ट्रा हम यहाँ निकाल देंगे और इसको उल्टी रखकर जिप को और इस पर किनारे किनारे पर यहाँ पर इतनी 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 किनारे किनारे पर रख के इस पर सिलाई लगा देंगे और फिर ऐसे फिर पलट कर इसको एक हम यहाँ पर एक दाब वाली स्टिच लगाएंगे। फिर हम इसको यहाँ पर ये वाली यहाँ पर रखकर इस पर यहाँ पर ऐसे इसी प्रोसेस से ऐसे ही इस पर रखकर ऐसी सिलाई डाल देंगे और फिर उसके ऊपर एक सिलाई ऐसे चला देंगे। तो ये हमारी जिप लग गई है। अब हम इसको ऐसे पलट कर किनारे पर डबल स्टिच कर देंगे। ये मैंने एक बद्दी बनाई है साइड में ऐसे कॉर्नर पर लगाने के लिए, तो हम इसको यहाँ को यहाँ अंदर साइड से ऐसे किनारे पर इसको भी इसमें अटैच कर देंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे डबल। तो डबल स्टिच यहाँ पर लगाएंगे, एक डबल स्टिच यहाँ पर लगाएंगे और एक डबल स्टिच यहाँ पर लगाएंगे
तो पहले हम इतना अपना काम कर लेते हैं इनमें तीनों साइड, ये हम बंदी को लगाते हुए तीनों साइड स्टिच लगा देते हैं। तो तीनों साइड हम स्टिच कवर कर लेते हैं पहले। ये हमने तीनों साइड से डबल डबल स्टिच लगा दी है। अब हम ये कॉर्नर रह गया तो ये पर डबल स्टिच लगा देंगे और इसी तरीके से हम ये कॉर्नर पकड़कर ऐसे डबल स्टिच लगा देंगे यहाँ से। तो हमारे दोनों कॉर्नर ऐसे हम पकड़कर डबल डबल स्टिच हम यहाँ पर लगा देंगे तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर और अपनी डबल डबल स्टिच लगा देते हैं। हमारी ये दोनों पर डबल डबल हमने इसमें स्टिच लगा दी है इस तरीके से। अब हम इसको पलट लेंगे। ये हमने ऐसे इसको पलट दिया है, ये हमारा पाउच बन गया है। तो देखिए हमारा 10 मिनट्स में ये बैग कंप्लीट हो गया है। और आप भी ऐसे घर पे रखे हुए बहुत सारे कपड़े रखे रहते हैं ब्लाउज के सूट्स के, तो आप भी ऐसे छोटे छोटे से बैग बना सकते हैं और ये आप मेकअप किट के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपना छोटा सा इसमें बैग के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।